हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं चांदनी क्रीम के बारे में। तो इसके क्या अच्छे क्या बुरे सब बात करेंगे, कितना फ़ायदा कितना नुकसान, किन किन चीज़ों में काम आता है, सब कुछ बताने वाले। तो सबसे पहले इसके ऊपरी हिस्से को देख लेते हैं सही से। चांदनी वाइटनिंग क्रीम रिमूव एक्नी रिंकल पिंपल्स डार्क स्पॉट डार्क सर्कल। तो जितनी चीज़ें लिखी हैं ये इन सब चीज़ों पर वर्क करती है। क्रीम खरीदने से पहले एक्सपायरी डेट देखना बहुत ज़रूरी है। 8वां महीना 2021, इसका MRP रेट 2500 रुपया है। लगभग ये हर जगह 2500 रुपये के आसपास ही मिलता है। 2, 5 रुपये, 10 रुपये आगे पीछे होगा वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मोस्टली हर जगह पे ये 2500 रुपये का ही मिलता है। बाकी यहाँ पर उर्दू में लिखा हुआ है। मिल्क प्रोटीन, एलोवेरा, सनस्क्रीन, फ्रूट एक्सट्रैक्ट। तो ये किन किन कामों में आएगी, सब ये पाकिस्तान की बनी हुई है। क्रीम के अंदर देख लेते हैं, रिलायंस का इंस्ट्रक्शन, आप चाहे तो पॉज करके इसे सही से पढ़ सकते हैं। आई होप कि आपको सही से दिख रहा होगा। और बॉक्स की पैकिंग, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है बॉक्स, ये सब ओरिजिनल पैकिंग है। इसमें कि डुप्लीकेट्स क्रीम भी मार्केट में आती हैं, तो उसका आपको ज़रा सा ध्यान रखना है। ये ओरिजिनल है बॉक्स, ध्यान रखिए फुली सीलेड है। अगर आपको कोई सील ब्रेक किया हुआ देता है तो कृपया करके ना ले उसे। क्रीम एक्सपायर भी हो सकती है, अंदर की क्रीम डुप्लीकेट भी हो सकती है। आई होप आपने सही से देख लिया होगा। तो चलिए बात करते हैं इस क्रीम के बारे में, इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं। तो जैसे मैंने इसके पहले वीडियो में अदर क्रीम के बारे में बताया था, गोरी क्रीम। तो जो गोरी क्रीम है इसके जो फ़ायदे थे वो सिर्फ स्किन ब्राइटनेस के लिए थे बस, उसके अलावा कुछ खास फ़ायदे नहीं थे। सिर्फ स्किन को गोरा कर सकती है और हल्के फुल्के डार्क स्पॉट को वो ख़त्म कर सकती है। वो हल्के फुल्के एकदम लाइट होने चाहिए, अगर डार्क है तो उन्हें वो ख़त्म नहीं कर पाएगी। बट उसके एक साइड इफेक्ट से 100 में से 90 लोगों को नहीं होते थे, बाकी 10% लोगों को होते थे, स्क्रीन पर हल्का सा ऑयली फेस हो जाना। तो अगर आपको उस क्रीम से वैसा होने लग गया हो तो आप स्क्रीन को यूज़ करना बंद कर दें, ये क्रीम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें आपको ऑयल वगैरह कुछ नहीं छोड़ता है। आपके अगर व्रिंकल मतलब पिंपल्स वगैरह दाने वगैरह हैं तो आप चांदनी क्रीम को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्किन को वाइट भी करेगा, ब्राइटनेस भी करेगा। और ऑयल वगैरह जिसकी जिनकी स्किन ऑयली है, तो सबसे पहले तो जिनकी स्किन ऑयली है वो लोग अपना सोप बदली करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सोप है जो ऑयल को कंट्रोल करते हैं। तो जिनकी स्किन ऑयली पहले से ही है उन लोगों के लिए नहीं है फ़िलहाल। सबसे पहले तो वो सोप इस्तेमाल करना सीखे जो ऑयल फ्री है। जैसे कि गोरी का ही एक सोप आता है जो ऑयल फ्री रहता है, जिससे ऑयल कंट्रोल होते हैं। तो वैसे सोप को कम से कम हफ्ता 10 दिन कम से कम अप्लाई कीजिए, जिससे आपके फेस का ऑयल कंट्रोल हो सके। उसके बाद में आप इस क्रीम को इस्तेमाल कीजिए। स्क्रीम को इस्तेमाल करने का तरीका नॉर्मल है, हल्का हल्का रब। किसी भी क्रीम को बारे लगाने के लिए, मतलब हर क्रीम को तो आप नहीं लगा सकते ऐसे, लेकिन जिन जिन क्रीमों को जैसे लगाना है मैं आपको पूरा तरीका बता देता हूँ। क्रीम हाथ में लीजिए, फेस को पहले पूरी तरीके से वॉश कीजिए। वॉश करने के बाद में आपको कभी भी टॉवल से ऐसा रगड़ना नहीं है फेस को, हल्के हाथों से ऐसा करना है। और हवा में खड़े होकर फेस को सुखा लीजिए पूरी तरीके से। सुखाने के बाद में क्रीम को लीजिए, अप्लाई कीजिए। ध्यान रखिए ज़्यादा गर्मियों के दिनों में ऐसे क्रीमों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो ठंडी का मौसम चालू है, ये सब क्रीम का लगाने का पूरी तरीके से फ़ायदा होने वाला है। जितना ठंडा उतना फ़ायदा। क्रीम को लगाने के बाद में आपके चेहरे पे जैसे दाने हैं, पिंपल्स हैं, डार्क स्पॉट है, दाग धब्बे हैं, वो सब इससे जाएंगे। स्किन भी ब्राइटनेस होंगे इसकी वजह से। लगाने का तरीका सेम है, 6 से 8 घंटे कम से मिनिमम अप्लाई करना है। 3 से 4 घंटा अप्लाई नहीं करना है, दिन में इसे बिल्कुल भी नहीं लगाना है। हाँ, आप वाटर पार्क वगैरह ये सब जाते हैं तो वहाँ पर ये सब लगा सकते हैं, क्योंकि ये केमिकल वगैरह से हार्मफुल होने से बचाता है। उसके बाद में इसे नॉर्मली डे बाई डे अप्लाई कीजिए। इसका असर आपको मेरे हिसाब से 1 हफ्ते में मैक्सिमम पता चल जाएगा आपको कि आपके उस पर असर कर रहा है कि नहीं। और हाँ, इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप इसे बेफिक्र होकर लगा सकते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ स्किन के लिए है, किसी भी तरीके की स्किन के लिए है ये। अगर सिर्फ ओनली फेस,
ये नहीं कि आप हाथ पे आप कहीं और लगा रहे, नहीं, ओनली फेस के लिए है ये। फेस पे आप किसी भी तरीके का चेहरा हो, कोई भी इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसको लगाने से कोई भी पिंपल्स, दाने वगैरह, मुहासे कुछ भी नहीं आएंगे। अगर है तो उल्टा चले जाएंगे, लेकिन लगाने का जो तरीका है वो बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ज़्यादातर गर्मियों के दिन में लगा रहे, दिन भर धूप में भटक रहे, तो उससे होगा ये है कि जब इसको आप रात में लगाएंगे तो फिर चेहरे पे पसीने आ जाते हैं, उसके वजह से क्रीम का असर होना ख़राब हो जाता है, और उसके वजह से फिर खुजली वगैरह कुछ भी हो सकती है, रिएक्शन हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, वैसे टाइप के रिएक्शन हो सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से मैं आपको लगाने का तरीका बता रहा हूँ, उस तरीके से आपको इसके कोई भी रिएक्शंस देखने को नहीं मिलेंगे। नॉर्मल डे में लगाइए या फिर ठंडे में लगाइए, गर्म नहीं होना चाहिए। गर्म मतलब इतना गर्म जो आपके चेहरे पे हल्का सा पसीना छोड़ देता है। बहुत लोग देखिए सुबह सुबह में, रात में सोते हैं, सुबह में उठते हैं, तो उठते हैं तो जब नाक वगैरह पे पसीने जमे हुए होते हैं, या चेहरे पे देखिए तो एकदम ऑयल ऑयल, पूरा चेहरे पे ऑयल भर जाता है, मतलब ऐसा लगता है कि बहुत गर्मी से सो के उठ रहे। तो ऐसे वक्त में इस क्रीम का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। कहीं हद तक कहीं ना कहीं 19-20 चांस है कि नुकसान हो सकता है, लेकिन फ़ायदे की तो गारंटी के कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर नॉर्मल दिन है, नॉर्मल डे है तो भी चलेगा, ठंडा टाइम है तो भी चलेगा, और आपके घर में एसी वगैरह है तो आप साल के 12 महीने में कभी भी लगाइए, कोई टेंशन नहीं है। बस लगाने का तरीका यही है कि नॉर्मल तरीके से लगाइए, रात में सिर्फ सोते समय लगाना है, दिन में इसे नहीं लगाना है। रात में सोते समय लगाइए, सुबह में उठकर कॉटन के कपड़े से इसे पोंछ लीजिए। ध्यान रखिए एकदम प्यार से पोंछना है, रगड़ना नहीं है कभी भी अपने फेस को। रगड़ने से उस पर रैशेज़ आ जाते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, बाद में वही हमें प्रॉब्लम दे देते हैं, उसमें गंदगी वगैरह भर जाती है और उसके बाद में उसमें पिंपल्स, कीटाणु वगैरह सब आ जाते हैं। तो आप इसे नॉर्मल तरीके से यूज़ कीजिए, और जो आप सोप इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले तो कोई भी आप सोप इस्तेमाल करते हो वो देखिएगा आपके स्किन पर वो सूट होता है कि नहीं, वरना जल्द से जल्द आप ऐसे सोप का पता कीजिए जो आपके स्किन पर सूटेबल है। बहुत जल्दी मैं कुछ सोप्स के भी लेकर आऊँगा मैं, जो आपके स्किन के लिए बेटर रहेंगे। फिलहाल तो अभी मुझे थोड़ा सा पता करना पड़ेगा, थोड़ा डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा कि कौन सा सोप बेहतर है ऑयल फ्री होने के लिए, पिंपल्स वगैरह को रोकने के लिए, और ज़्यादातर स्किन पर सूट होने के लिए। तो इस बारे में अभी नेक्स्ट क्या नेक्स्ट या उसके कई बाद में वीडियो में मैं उसके बारे में बात करूंगा। ऐसा कोई मुझे सोप जैसे मिलता है तो ज़रूर से मैं उसका एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। फिलहाल तो आप जो सोप इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मेरी बात करूंगा तो मैं गोदरेज नंबर 1 या फिर ब्रिज, 10-10 रुपये का, 12 रुपये का सोप आता है, मैं वही इस्तेमाल करता हूँ। उससे मुझे कोई भी नुकसान नहीं है, ऑयल फ्री है, ऑयल वगैरह भी चेहरे पर उसके वजह से नहीं आते, पिंपल जाने में उसके वजह से नहीं आते। और जब चेहरे पे कोई ऑयल टाइप का कुछ लगा होता है जैसे मॉर्निंग में, तो वो सोप लगाते ही 2 मिनट रखते ही एकदम पूरी तरीके से क्लीन हो जाता है, तो वो सोप मेरे लिए बेहतर है। अब आप एक बार ट्राई कीजिए, आपके लिए बेहतर है तो ठीक है, सस्ता है, अच्छा है। और जब इस क्रीम को आप सुबह में रिमूव करेंगे तो कम से कम सुबह में 2 बार फेस वॉश करना है, एक बार में ये पूरी तरीके से नहीं निकलेगा, तो 2 बार आपको फेस वॉश करना है। 2 बार फेस वॉश करने के बाद में कॉटन के टॉवल से आपको चेहरे को सुखा लेना है, सुखाना है, ऐसे ऐसे नहीं करना है, सुखाना है। सुखाने के बाद में चेहरे को पूरी तरीके से क्लीन कर लीजिए, और जहाँ तक हो सके थोड़ा सा धूप से बचने की कोशिश कीजिए, अगर क्रीम का आप पूरी तरीके से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो, वरना तो धूप में जाने के बाद तो अच्छे अच्छे स्किन काले पड़ जाते हैं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है इसे लगाकर। बस ये है कि अगर आप ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, घर वगैरह में रहते हैं या रहती हैं, तो आप ये सब ट्राई कीजिए, 110% असर करेगा, बहुत लोगों का असर किया। और हाँ, इसमें कुछ भी मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, इस क्रीम को डायरेक्ट निकालना है, डायरेक्ट लगाना है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि बहुत सारे लोग कुछ कुछ मिक्स करने का आइडिया दे देते हैं, तो इसमें कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि जैसा बताया गया है बिल्कुल वैसा ही आप ट्राई कीजिए, पिंपल्स वगैरह सब पे ये काम आएगा, पूरी तरीके से ख़त्म ना हो भले से, लेकिन अगर आपके पिंपल्स बहुत ज़्यादा है फेस पर तो उसको इतना है कि 50% तो कम कर देगा। और हाँ, एक डब्बे की बात कर रहा हूँ मैं, अगर इसको 4-5 डब्बा आप लगाते तो बहुत ज़्यादा असर कर सकता है, अच्छा असर कर सकता है, लेकिन फिलहाल एक डब्बे में जो असर होता है मैं आपको बता रहा हूँ। आपका स्किन जो भी कलर हो, अगर 100% की बात करो, अगर 100% है तो समझ लीजिए उसमें से एक डब्बा ख़त्म करते करते तो ये 30% आपको ब्राइटनेस कर ही देगा, ये मतलब 30 गुना आपको, मतलब समझ रहे होंगे आप, थोड़ा सा मतलब ब्राइटनेस, अच्छा खासा ब्राइटनेस कर देगा कि लोग आपको टोक सकते हैं कि भाई देख तू कुछ तो लगा रहा है, या बहन देख कुछ तो तू लगा रही है, ऐसा है। और जो पिंपल्स वगैरह जो रेड हो जाते हैं ना, तो लाल लाल, या फिर दाग धब्बे जो लाल लाल होते हैं, उनको भी ये काफ़ी हद तक फीका कर देगा। ये एक डब्बे की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आप 3 से 4 डब्बा इस्तेमाल करते, 5 डब्बा इस्तेमाल करते तो
लगभग लगभग 90-80%, 90% तो ख़त्म ही हो जाएंगे, और फिर धीरे धीरे करके तो वो भी जो बचे कुचे रहते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वक्त लगता है। वो डिपेंड करता है कि आपके दाग पिंपल्स वगैरह कितने पुराने हैं, कैसे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी नॉर्मल है तो वो 2-3 डब्बे में ही पूरी तरीके से फिनिश हो जाते हैं, ऐसा है क्रीम को लगाने का तरीका। और ये एक डब्बा आपका अगर नॉर्मल फेस है आपका, तो एक डब्बा अराउंड फिगर 25 दिन के आसपास चलेगा। अगर लड़के हैं आप और दाढ़ी है आपको, तो दाढ़ी के ऊपर नहीं लगाना है, सिर्फ स्किन पर लगाना है, तो ये आपको तो 1 महीने से ज़्यादा चलेगा, ये लगभग आपको 1.25-1.5 महीना चलेगा। जिनकी दाढ़ियाँ नहीं हैं तो उसको तो 1 महीना या 1 महीने से थोड़ा कम चलेगा, लेडीज़ वगैरह है तो उनको भी 1 महीना 1 महीने से थोड़ा कम चलेगा। सबसे ज़्यादा ये उन लोगों पर असर करेगा जो धूप में थोड़े कम आते जाते हैं और रात में थोड़े से ठंडे में सोते हैं या नॉर्मल टेम्परेचर में सोते हैं, उन लोगों पर ये असर क्रीम बहुत ज़्यादा क्रीम असर करने वाली है, क्योंकि अप्लाई किया गया है, टेस्टेड क्रीम है और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बेफिक्र होकर आप इसे खरीद सकते हैं, लगा सकते हैं। तो इसी के साथ में आई होप कि मैंने जितना भी जो भी कुछ आपको समझाया है आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में लिखिए, कोशिश करूँगा उसका जवाब देने की। तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करता हूँ। गुड बाय, टेक केयर।